ठीक है, मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलता हूँ। आलोक शर्मा जी, वैक्सीनेशन की रफ्तार 1 करोड़ प्रतिदिन पहुंच गई है, अब आप संतुष्ट हैं वैक्सीनेशन की रफ्तार से, और सरकार के प्रयासों पर क्या कहेंगे अभी तक? देखिए, डॉक्टर कॉल ने बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ चीजें क्लियर की हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगे काफी समय हो गया है, उनको बूस्टर डोज की फिर आवश्यकता है। मुझे पहली डोज जो है वो मार्च के एंड में लगी थी, और दूसरी डोज जो है उसको समय बढ़ते बढ़ते बाद में लगी, तो मुझे लग रहा है कि 6 महीने हो गए, और उसके बाद दूसरी डोज के बाद भी आज फिर वापस ऐसी सिचुएशन आती चली जा रही है। जिस देश की 130 करोड़ पॉपुलेशन हो, और पिछले 9 साढ़े 9 महीने में अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें जो इसमें डबल डोज जिसको लगी है, तो 12 से 13% है, तो 12 से 13% के ऊपर अगर पीठ थपथपाएंगे तो तीसरी वेव को कहीं ना कहीं सरकार स्वयं पूरी तरह से नौता देगी। आज जिस तरह से वैक्सीनेशन का है, अच्छी बात है, 1 करोड़ वैक्सीनेशन है, हम चाहते हैं और भी वैक्सीनेशन की जो गति है वो बढ़े, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वैक्सीनेशन प्लान माना और सब चीजें थी, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने आज तक देश की जनता के सामने कोई वैक्सीनेशन प्लान दिया है। आपने वैक्सीनेशन पर सवाल पूछा, इसलिए मैंने उस पर उत्तर दिया। जहां तक बात है फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, एक एक ग्राफ है दीपक जी, मुझे लगता है ग्राफ अगर देखे कोई दर्शक देखेंगे, फर्स्ट वेव में 0 से अगर 21वें दिन देखें तो उसका जो ग्राफ की स्टीपनेस जो है वो कम थी, सेकेंड वेव की जो स्टीपनेस है वो थोड़ी सी बढ़ी थी, और थर्ड वेव की अगर हम इसको थर्ड वेव माने, जबकि थर्ड वेव का है कि नहीं ये तो डॉक्टर्स और जो आईसीएमआर का पैनल बैठा है वो बताएगा, लेकिन अगर 30,000 से 46,000 पिछले 5-6 दिन में अगर बढ़े हैं तो ये सबसे ज्यादा स्पीड है। अगर पिछले 2 वेव की अगर बात करें, 1 हफ्ते के अंदर इतना ग्रोथ जो था शायद फर्स्ट और सेकेंड वेव में नहीं था। तीसरी चीज यहां पर आती है कि इसको हम जैसे अभी कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग अभी तक कहीं पर मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कहां पर हो रहा है। सीरो सर्वेस जो जिस तरह से होने चाहिए थे आईसीएमआर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उस तरह से नहीं हो रहे हैं। इनको नाम सीरो सर्वे दिया जा रहा है, लेकिन ये नॉर्मली एंटीबॉडी टेस्ट है कि एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियली हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं मान रही है। आईसीएमआर की मैडम ने कहा अभी के 69% के करीब एंटीबॉडीज हैं, तो इसका मतलब तो 80 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ था, लेकिन सरकार तो इस आंकड़े को नहीं मानती है। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी अभी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। मैं सीधे संजय कि जैसे जिस तरह से पहले ऑक्सीजन की कमी हुई, वैक्सीन की कमी हुई, वैक्सीन कम थी इसीलिए गैप बढ़ाया गया 84 दिन का, और तमाम जो है पेडियाट्रिक वार्ड की बात आई कि पेडियाट्रिक वार्ड अभी हमें नहीं दिख रहा है कहीं पर सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का रास्ता बन रहा है। हाँ, इतना जरूर है।